हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आज हम बात करने वाले हैं द रैबिट प्रूफ फेंस इस मूवी के बारे में। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 1931 की है। इस दौर में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए एक द अबोरिजिन्स एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट के तहत मिस्टर A.O. नेविले ये सारे आदिवासियों के कानूनी गार्डियन थे और इस व्यक्ति को पूरी तरीके से अधिकार था कि उनकी फैमिली में से कोई भी बच्चा वो कभी भी उठा के लेके जा सकते थे। तो ये कहानी ऐसी ही एक आदिवासी बच्ची के बारे में है जिसका नाम मौली है। मौली बताती है कि कैसे गोरे लोग उनके इलाके में आए, कैसे उनके लिए वो लोगों ने कैंप बनाया, वहाँ पे उनको वो लोग खाने पीने की चीजें और कपड़े देने लगे और वहाँ पे एक लंबी फेंस का निर्माण भी हो रहा था और मौली के पिता उसी फेंस के निर्माण में काम करते थे और वो एक गोरे इंसान थे। गोरे लोग मौली जैसे बच्चों को हाफ कास्ट चाइल्ड कहते थे क्योंकि इनके पिता गोरे होते हैं लेकिन उनकी माँ आदिवासी या फिर ब्लैक होती है। इस वजह से ये दिन मौली और उसके परिवार के लिए एक आम दिन था बाकी दिनों के जैसे। वो लोग शिकार पे गए थे और कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे और इसी दौरान कुछ पुलिस वाले उनके ऊपर दूर से नजर रख रहे थे। दरअसल ये पुलिस वाले हाफ कास्ट चिल्ड्रन को ढूंढ रहे थे और इनके परिवार में 3 हाफ कास्ट चिल्ड्रन है, मौली जो कि 14 साल की है, मौली की कजन ग्रेस जो कि 10 साल की है और मौली की छोटी बहन डेजी जो कि सिर्फ 8 साल की है। ये तीनों चाइल्ड इस फैमिली में हाफ कास्ट चाइल्ड है। ये खबर मिस्टर नेविले तक पहुंच जाती है कि इस परिवार में ये 3 बच्चे हैं और मिस्टर नेविले बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाते इन लोगों को उठा के लाने का ऑर्डर पास करने में। ये पुलिस वाला कुछ दिन बाद आके इन तीनों चिल्ड्रंस को उठा के लेके जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। इन तीनों बच्चों को ट्रेन में एक पिंजरे में बंद करके जानवरों की तरह कहीं लेके जा रहे हैं और जहाँ भी लेके जा रहे हैं वो जगह है उनके गांव से। उनका गांव जिगलोंग है, उस गांव से 1200 मील दूर मतलब 1900 किलोमीटर दूर उनको ले जाया जा रहा है और ये जगह है मोर रिवर नेटिव सेटलमेंट और ये एक निवासी स्कूल है बच्चों का। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई की शिक्षा नहीं दी जा रही है बल्कि इस स्कूल में बच्चों को घर का और खेती का कामकाज सिखाया जा रहा है ताकि ये बच्चे यहाँ पे सारे कामों के लिए ट्रेन हो सके और बाद में गोरे लोगों के घर में जाके और उनके खेतों में जाके काम कर सके। मौली की तरह इस स्कूल में और भी कई सारे बच्चे हैं। इन शॉर्ट इन सारे बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा गुलाम या एक अच्छा नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस जगह पे मौली जैसे ही कई सारे हाफ कास्ट चिल्ड्रेंस को देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ के लाया गया है ट्रेनिंग देने के लिए और उन बच्चों में से एक 14 साल की बच्ची भाग जाती है और उसको पकड़ के लाते हैं और एक कमरे में लाके उसे बहुत मारते हैं। ये सब चीजें देख के मौली बहुत शॉक हो जाती है। वो रात भर सो नहीं पाती और आखिरकार वो फैसला लेती है कि वो वहाँ से भाग जाएगी, वो वहाँ पे नहीं रहेगी। दूसरे दिन सारे लोग सारे बच्चे वहाँ के चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं। मौली सबसे लास्ट में जाने के लिए रुकती है और उसकी दोनों बहनें भी। इसी मौके का फायदा उठा के मौली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उस दिन भर किसी को भी पता नहीं चलता कि मौली और उसकी दो बहनें यहाँ से भाग गई है लेकिन रात को जब वो अटेंडेंस लेते हैं वो समय पे उनके टीचर को पता चल जाता है कि मौली और उसकी दो बहनें यहाँ से गायब है। तो दूसरे दिन मॉर्निंग से उसकी तलाश शुरू की जाती है लेकिन मौली बहुत क्लेवर गर्ल है, बहुत स्मार्ट गर्ल है। वो तब तक काफी दूर जा चुकी थी लेकिन मौली को जो ढूंढने के लिए आदमी भेजा गया है ये भी काफी ट्रेन है। इस आदमी को इसी चीज की ट्रेनिंग मिली है कि लोगों को कैसे ढूंढा जाए। वो अपने एक्सपीरियंस का, वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके मौली के पीछे पीछे जाने में कामयाब हो जाता है लेकिन वो मौली को नहीं पकड़ पाता है। मौली की बहनों को, मौली को डर है कि वो लोग पीछे से आके हमारे निशानों के सहारे हमें ढूंढ सकते हैं लेकिन फिर भी मौली बहुत कॉन्फिडेंट है। उसके ऊपर दोनों बहनों की जिम्मेदारी है, वो आगे बढ़ रही है। उसके पैरों के निशान ना छूटे इसीलिए वो नदी के पानी में से चल के आगे बढ़ रही है और वो आदमी जो उसको ढूंढने के लिए आ रहा है वो गलत दिशा में भटक जाए इसके लिए उसने कुछ गलत चीजें भी रास्ते में प्लांट करके रखी है लेकिन वो आदमी भी स्मार्ट है, वो नहीं भटकता है, वो सीधे इनके पीछे आता है।
मौली को कुछ दूर जाने के बाद दो आदिवासी लोग दिखते हैं जो कहीं और जा रहे थे। मौली उनसे खाने के लिए पूछती है तो वो लोग उसको माचिस की डिब्बी और कुछ मांस का टुकड़ा दे देते हैं। मौली और उसकी दो बहनें वहीं बैठकर पेड़ के नीचे वो मांस का टुकड़ा खा लेते हैं और अपना आगे का सफर फिर से शुरू करते हैं। इधर मिस्टर नेविले काफी परेशान है इन तीनों बच्चियों को ढूंढने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से ज्यादा दिन हो गए ये बच्चियां पकड़ में नहीं आई है अभी तक इनके। मिस्टर नेविले अखबार में भी इन बच्चियों के लिए खबर देते हैं कि अगर कोई इनकी खबर हम तक पहुंचाएगा तो हम उनको इनाम देंगे। इसकी वजह से इन तीनों बच्चियों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। जिगलोंग में जो मौली की माँ है उस तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि मौली वहां से अपनी दोनों बहनों को लेके भाग गई है और उसकी तलाश शुरू है। कहीं ना कहीं उसकी माँ खुश हो जाती है लेकिन चिंतित भी है कि कहीं फिर से मौली को पकड़ के वो लोग वापस ले जाएंगे। ये तीनों बच्चियां कई दिनों से चल रही है, रास्ते में उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे ही उनको रास्ते में एक घर दिखता है और वो वहां से वहां के अंडे चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर की मालकिन उसे देख लेती है, उसे पकड़ लेती है। मौली डर जाती है, उसे लगता है कि ये मारेगी या स्कूल वालों को खबर कर देगी, बट वो दीदी ऐसा कुछ नहीं करती है बल्कि मौली को और उसकी बहनों को खाने के लिए देती है और कुछ कपड़े भी देती है क्योंकि वो एक अच्छी औरत है। फिर मौली वहां से निकलती है और निकलते समय रैबिट प्रूफ फेंस के बारे में पूछती है। दरअसल ये रैबिट प्रूफ फेंस दुनिया की सबसे बड़ी फेंस है। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में जंगली रैबिट्स का बहुत आतंक था, वो बहुत फसल बर्बाद करते थे और भी नुकसान करते थे। लेकिन अभी तक ये सारे रैबिट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दक्षिणी हिस्से में थे। वो रैबिट्स सारे देश में पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना फैल जाए इसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 3,500 किलोमीटर लंबी रैबिट प्रूफ फेंस बनाई गई थी। मौली उसी रैबिट प्रूफ फेंस के बारे में उस औरत से पूछती है। वो औरत बताती है पूर्व दिशा में ये रैबिट प्रूफ फेंस है और उस रैबिट प्रूफ फेंस को ढूंढने के लिए मौली आगे बढ़ती है और ये रैबिट प्रूफ फेंस ही मौली का एकमात्र सहारा है उसकी माँ तक पहुँचने का। कुछ दिनों तक मौली और उसकी बहनें चलती रहती है और आगे जाने के बाद उनको आखिरकार रैबिट प्रूफ फेंस मिल जाती है और वो तीनों बच्चियां बहुत खुश हो जाती है। अब उनके मन में कॉन्फिडेंस और उम्मीद अब और ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि इस रैबिट प्रूफ फेंस के सहारे हम अपनी माँ तक, अपने घर तक पहुँच पाएंगे। मिस्टर नेविले को भी ये बात पता चलती है कि मौली रैबिट प्रूफ फेंस को फॉलो करते करते जिगलोंग पहुँचने वाली है, तो वो अपने लोगों को मौली के रास्ते में आगे जाकर रुकने के लिए बोलते हैं ताकि जब मौली वहां से होके गुजर रही होगी तब वो लोग मौली को वापस से पकड़ सके और वापस से स्कूल में लेकर आ सके। अब मौली की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। इधर मौली की सबसे छोटी बहन जो डेजी है वो काफी छोटी है, सिर्फ 8 साल की बच्ची है और ये लोग कई दिनों से चल रहे हैं। इन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। वो बच्ची डिहाइड्रेट हो चुकी है। उस बच्ची के अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं बची है कि वो ज्यादा दूर तक चल पाए, वो चलने की हालत में नहीं है। लेकिन मौली फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अपनी बहन को पीठ पर उठाकर चलने लगती है। कुछ मील आगे जाने के बाद उन लोगों को एक आदमी मिलता है। ये गोरा आदमी है लेकिन ये बुरा आदमी नहीं है, इसीलिए इन लोगों को कुछ खाना देता है। और मौली उस आदमी से रैबिट प्रूफ फेंस के बारे में भी पूछती है तो मौली को पता चलता है कि दरअसल दो रैबिट प्रूफ फेंस है यहाँ पे और वो जिस रैबिट प्रूफ फेंस के साथ चल रही है वो 2 नंबर की रैबिट प्रूफ फेंस है और उसी जिस रैबिट प्रूफ फेंस को फॉलो करके जिगलोंग जाना है वो तो कहीं और है। उस आदमी से उस रैबिट प्रूफ फेंस के बारे में पूछ के वो शॉर्टकट वाला रास्ता भी पूछती है और वहां तक पहुंचने के लिए वो वहां से निकलती है। और इधर जिगलोंग जाने वाली जो रैबिट प्रूफ फेंस है उसी के पास मिस्टर नेविले के कुछ लोग मौली का इंतजार कर रहे हैं रास्ते में। लेकिन मौली अभी नंबर 2 रैबिट प्रूफ फेंस के सहारे चल रही होती है, उसे नंबर 1 वाली रैबिट प्रूफ फेंस तक जाना है। इसके लिए वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाती है और रास्ते में उसे एक घर दिखता है। उस घर के बाहर एक नौकरानी, वो भी एक हाफ कास्ट लेडी होती है, उसकी मदद वो लेती है क्योंकि वो कई दिनों से चल रही है और काफी ज्यादा भूखी है, उसे ढंग से पेट भर से खाना नहीं मिला है। उस लेडी से वो मदद लेती है, वो लेडी इन लोगों को चुपके से खाना देती है और एक रात रहने के लिए जगह भी देती है।
लेकिन उस लेडी के पास जब ये लोग होते हैं तो रात में एक गोरा आदमी इन बच्चों को देख लेता है और मोर रिवर नेटिव सेटलमेंट स्कूल को खबर कर देता है। लेकिन वो लोग वहां पे पहुंचने से पहले मौली और उसकी दो बहनें वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। कुछ दिन और मौली उसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है और आगे बढ़ने के बाद कुछ दिनों बाद उसको एक और आदमी मिलता है। ये आदमी भी आदिवासी है लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं है। इसको जो अखबार में खबर छपी थी इन तीनों बच्चियों के बारे में, इसके बारे में इसे पता है और वो इन बच्चियों को बातों में उलझा के बहलाने की फुसलाने की कोशिश करता है। उसमें से जो मौली की कजिन है ग्रेसी, उसे वो कहता है कि तुम्हारी माँ को ये लोग उठा के लेके गए हैं और तुम्हारी माँ तक पहुँचने का रास्ता मैं जानता हूँ, मैं आप तीनों को ग्रेसी की माँ तक पहुँचाऊंगा। लेकिन मौली बहुत स्मार्ट लड़की है, वो उसकी बातों में नहीं आती लेकिन ग्रेसी उसकी बातों में आ जाती है क्योंकि वो छोटी बच्ची है, उसको माँ चाहिए और वो कई दिनों से लगातार सफर कर रही है, चल रही है, मुश्किलों से लड़ रही है। मौली उसे समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं मानती। वो उस आदमी का इंतजार करती है रेलवे ट्रैक के ऊपर। मौली और डेजी आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे चलने के बाद मौली वापस आ जाती है ग्रेसी को लेने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो आदमी पुलिस को लेकर वहां तक पहुंच चुका था। ग्रेसी को उठा के ले जाता है वहां से वो पुलिस वाला और मौली और डेजी कुछ नहीं कर पाते। अब ग्रेसी हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी है, ग्रेसी अब वापस कभी नहीं आ पाएगी। अब मौली और डेजी दोनों ही बचे हैं, दोनों ही अपना सफर शुरू करते हैं। मौली की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। रास्ते में कुछ भी अगर नदी या झील होगी तो सब कुछ सूख चुका है, कहीं पे भी उसे पानी नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी भी मौली को बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है और मिस्टर नेविले के लोग मौली का इंतजार कर रहे हैं रास्ते में पिछले 3 हफ्तों से, लेकिन अभी तक मौली वहां से गुजरी नहीं है बल्कि वो शॉर्टकट से उनके आगे जा चुकी है। तो वो लोग भी थक हार कर वहां से निकल जाते हैं और इस तरीके से मिस्टर नेविले के सारे लोग मौली को और उसकी बहन को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। फाइनली मिस्टर नेविले एक खत लिखते हैं जिगलोंग के पुलिसमैन को। उसे खत में कहते हैं कि कुछ दिनों में मौली जिगलोंग में पहुंच जाएगी। जैसे ही मौली और उसकी छोटी बहन जिगलोंग में पहुंच जाती है, उन दोनों को उठा के आप मोर रिवर स्कूल में वापस आपको भेजना होगा। मौली और डेजी अपना सफर जारी रखते हैं। वो चल रहे होते हैं, वो थक चुके हैं, थक के चूर हो चुके हैं। उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, उन्हें पानी भी नहीं मिला। आगे चलने के बाद उन्हें एक झील दिखती है लेकिन ये पूरी झील सूख चुकी है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता। लेकिन वो कहीं से ढूंढ के थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये दोनों भी बुरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, अब इनके अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची है और आखिर कड़ी धूप में ये दोनों बच्चियां चक्कर आके गिर पड़ती है। और इधर मौली की माँ और उसकी नानी इन दोनों बच्चियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। कई घंटों तक वहीं पे पड़े रहने के बाद रात में उन्हें अपने ऊपर एक चील मंडराते हुए दिखती है और मौली उस चील की आवाज से जाग जाती है। उसे याद आती है अपनी माँ की, उसकी माँ ने उसे बताया था कि ये चील हमारा भगवान है, ये चील पक्षी आत्माओं का पक्षी है और ये पक्षी तुम्हारी रक्षा करेगा हर जगह और हमेशा। मौली के अंदर फिर से ताकत भर जाती है उस पक्षी को देख के। फिर से मौली उठ खड़ी होती है, अपनी बहन को अपनी गोद में उठाती है और फिर से मौली अपनी घर की तरफ चल पड़ती है। और कई दिन चलने के बाद मौली आखिरकार जिगलोंग के पास पहुंच जाती है। पुलिसमैन भी मौली को ढूंढने के लिए उसकी माँ के पास जाता है लेकिन अभी तक मौली उसकी माँ के पास नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए पुलिसमैन को मौली तो नहीं मिलती वहां से। लेकिन उसके बाद रात के अंधेरे में मौली उसकी माँ तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। इस तरीके से मौली 1900 किलोमीटर पैदल चल के अपना सफर पूरा करती है। मौली लगातार 9 हफ्तों तक चलती रही और आखिरकार अपनी माँ तक पहुँच गयी। मौली का लंबा सफर तो खत्म हुआ लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद मौली और उसकी फैमिली रेगिस्तान में जाके छुप जाते हैं। कुछ सालों बाद मौली की शादी हो जाती है और उसे 2 बच्चियां हो जाती है। उसके बाद भी फिर से ये लोग मौली को एक बार फिर उठा के उसी स्कूल में लेके जाते हैं लेकिन मौली तब भी उनके पास नहीं रहती।
वो उसके बाद भी अपने बच्चों के साथ वापस भाग के जिगलोंग आने में कामयाब हो जाती है। और अब मॉली और डेजी दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अपने गांव में अपने एरिया में रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल मूवी है। आपको ये मूवी कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।